मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज एतवार है, तारीख 25 जून 2023, शनिवांश 1945, ऋतु ग्रीष्म, संवत्सर शोभन, मास आषाढ़, अयन उत्तर, पक्ष शुक्ल। दोस्तों, तिथि आज की सप्तमी तिथि है। रात को 12:26 के बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सुबह 10:11 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्यतिपात योग है, जो दिन रात रहेगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 11:24 के बाद वनिश करण शुरू होगा और रात को 12:26 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मिथुन राशि में, चंद्र सिंह राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनि देव कुंभ राशि में होंगे। अपने बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। दोस्तों, आगमन जो है सुबह 6:04 पर और निगमन जो है शाम को 7:18 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज की नित्य पूजा का संकल्प आप हमें छोड़ना है। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, अक्षत और एक फूल ले लें दोस्तों, और यह संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्ने प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मोत्पत्ति परार्धे श्वेत वराह कल्पे वै वसवत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यवहार के चरण वंश आदिवंशक 1945 प्रभावती षष्ठी सवत्सरो में शोभन नाम सत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एतवार वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिद्धि योगे व्यतिपात योगे गरज करणे सप्तमी शोभति तो मनोगोत्र में उत्पन्न मय कड़ाप्पा मम पात दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिषे। दोस्तों, यह संकल्प यही पर खत्म हो चुका है। अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:18 तक है। इस समय के बाद आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर वाली पंचांग का सहारा लें। दोस्तों, अब धार्मिक विधि के लिए मुहूर्त जानेंगे हम। इसमें सबसे पहले सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिए गए हैं। जून तारीख 27, 28, 30 जुलाई तारीख 2, 5, 9, 10, 11 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, जून तारीख 26, 27, 30 जुलाई तारीख 2 और 5। नामकरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं, जून तारीख 28, 30 जुलाई तारीख 1, 5, 7, 9 और 14। मुंडन या चूड़ाकर्मा के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, जून तारीख 28, जुलाई तारीख 5, 7 और 10। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, जून तारीख 28, 29 जुलाई तारीख 1, 3, 5, 7, 9, 10 और 14। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों, जून तारीख 26, 27, 28। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हैं किसी शिवालय में, मंदिर में, तो उसके लिए पंडित के सहारे आपको ये शिवलिंग की प्रतिष्ठा अपना करनी है। और इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं, जून तारीख 26, 28, 29 जुलाई तारीख 5, 7, 9, 10 और 14। दोस्तों, अपने घर में शिवलिंग रखना थोड़ा सा नियम बाह्य है, क्योंकि इसके लिए नियम जो है बहुत कड़क है। आपको ना अगर आप इसका आचरण नहीं करोगे तो आपको तकलीफ हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, इन मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। रोज की पूजा का संकल्प छोड़कर करने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इस कारण कोई भी धार्मिक विधि के लिए मुख्य काल के मुहूर्तों का ही चयन आपको करना है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें, या गौण या आपातकाल में मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों।
दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि है जो जो दोस्तों वो वर्ज्य दिन है, दिन अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वेदपत योग है, अशुभ योग है ये दिन। विशेष भानु सप्तमी है जो, तो ये सूरज के संबंधी व्रत है दोस्तों। अगर आप इस भानु सप्तमी व्रत का आचरण अगर करते हो तो आपको सूर्योदय के पहले इसके लिए तैयार होकर सूर्य को आपको जल देना है गायत्री मंत्र से। और आगे का जो पूजा है इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। अग्निवास उपवास भी करना है आपको, ये भी ख्याल रखो दोस्तों। अग्निवास दोस्तों धरती पर नहीं है, इसके लिए आप कोई नया जो यज्ञ याग होता है नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बन रहा है, नहीं जम रहा है, तो कृपा करके आप और कोई काल में इस काम को पूरा करें ताकि उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। ये भय राहु की भय की वजह से होता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर देना है दोस्तों। मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंद रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम, शिव शंभो महादेव।